विधानसभा में सपाइयों ने किया जमकर बवाल पोस्टर लेके हुए दाखिल

सियासत में हलचल मचा दी है सपा ने अपने पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा और आधी आबादी की भी बात अखिलेश यादव ने कही और इसी कड़ी में अगड़े को साधकर सपा की नई रणनीति की ओर बढ़ चुके हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने में जुटी समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए एक खास योजना तैयार की है अस्सी भाजपा हटाओ का नारा देने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ अपनी इस रणनीति का खुलासा किया है अखिलेश ने बताया कि वो आने वाले चुनाव में पीडीए डी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में एनडीए को धूल चटा देंगे सपा का नया फार्मूला अखिलेश यादव के पी फॉर्मूला फार्मूला में पिछड़े वर्ग दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स आते हैं प्रदेश में कमजोर होती मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को साधने का प्रयास भी सपा कर रही है हालांकि ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है आमतौर पर माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव के लिए जाने-जाने वाली सपा अब गैर यादव ओबीसी और दलितों में बैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है हालिया विधानसभा चुनाव में उसे अल्पसंख्यक समुदाय का भरपूर समर्थन मिला लेकिन बीएसपी से चिटक कर दलित वोट बीजेपी के खाते में चली गए अखिलेश इसी वोट का अब दावा करना चाहते हैं के लिए वो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हुए हैं हाल ही में नैम में पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था जिसमें चुनाव जीतने के मंत्र सपाइयों को बताए गए थे यही अस्सी का नारा दिया गया था पार्टी 40 से कम उम्र वाले युवाओं की एक फौज तैयार कर रही है जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी इसको मजबूत स्तर इस पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी पार्टी के एक नेता ने बताया कि प्रदेश के हर बूथ पर 10 नए कैडर शामिल किए जाने का लक्ष्य है ताकि जमीनी स्तर पर सपा के ऊपर स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे माता प्रसाद पांडे बने नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर नेता माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है उनतीस जुलाई यानी आज से शुरू हो चुके विधानसभा सत्र में माता प्रसाद पांडे ही सपा विधायक दल की अगुवाई कर रहे हैं इसी के साथ महबूब अली मंडल कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उप सचेतक बनाए गए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता और इटावा से सपा विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है बता दें कि माता प्रसाद पांडे कई बार विधायक भी रह चुके हैं साथ ही सपा सरकार में विधायक विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं दरअसल सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद करल सीट से इस्तीफा दे दिया था अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जगह खाली चल रही थी जिसके बाद माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है माता प्रसाद पांडे को शिवपाल का पूरा समर्थन शिवपाल को विधानसभा में नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी न मिलने पर जब फक्रुल चांद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे के चुनाव में भी शिवपाल यादव की सहमति है उन्होंने कहा कि शिवपाल चाचा पार्टी के बड़े नेता हैं और कल से विधानसभा में सरकार को घेरने में माता प्रसाद के नेतृत्व में सभी काम करेंगे शिवपाल यादव का पूरा समर्थन माता प्रसाद पांडे को मिला किया हुआ है फखरुल चांद ने बताया कि विधायकों की बैठक में सभी ने अपने सुझाव दिए और सभी ने अखिलेश यादव के फैसले का समर्थन करके उसका स्वागत किया इसके बाद माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान हुआ चांद के मुताबिक माता प्रसाद पांडे उनके सीनियर नेता हैं और सपा की सरकार में स्पीकर रह चुके हैं उनका अनुभव समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम देगा सपा का टारगेट तय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के फैसले ने सियासत को एक नया मोड़ दिया है सपा ने अब अपने पीडीए के फॉर्मूले को आगामी चुनाव के लिहाज से अपनी रणनीति को धार देने में लगा दिया है पार्टी ने रविवार को विधानसभा में अपने नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतकों के नाम का ऐलान कर दिया है तो कई राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है दरअसल समाजवादी पार्टी विधायक माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है जबकि ये पद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद चुने जाने के बाद से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद से खाली चल रहा था यानी सपा ने माता प्रसाद पांडे के जरिए यूपी में ब्राह्मणों को साधने की रणनीति का काम अब शुरू कर दिया है अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र के मुताबिक माता प्रसाद पांडे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं महबूब अली अधिकाष्टा मंडल कमाल अख्तर मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ आर के वर्मा उपसचेतक होंगे ऐसे में देखा जाए तो पीडीए के फॉर्मूले के तहत सपा ने हर वर्ग को साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है बसपा का भी यही फॉर्मूला सपा से पहले बी इसी नाव पर सवारी कर रही है बी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दे रखी है पार्टी का ये फैसला ब्राह्मण वोटर्स को रुझाने के लिए है ये बात अलग है कि बीते वक्त लंबे समय से सक्रिय नहीं रहे हैं ये जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा के पास लंबे वक्त से है हालांकि बीते दो चुनावों में हार के बाद भी उनके पद पर कोई आच नहीं आई है इसकी बड़ी वजह है मायावती का ब्राह्मण वोटर्स पर फोकस को माना जाना जबकि मनोज पांडे ने बागी होकर बीजेपी में जाने के बाद अब सपा ने भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माता प्रसाद पांडे पर दांव खेला है ऐसे में देखा जाए तो बीएसपी और सपा दोनों पार्टियां ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में जोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीते दिनों ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सपा की सक्रियता को भी इसी राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है पार्टी ने एक डेलीगेशन में पीड़ित परिजनों से मिलने गए थे ऐसे में सपा अब पीडीए की राजनीति के तहत आगामी चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है विधानसभा में भी हो रहा है बवाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है जो कि 2 अगस्त तक चलेगा लोकसभा चुनाव के बाद यह विधानसभा का पहला सत्र होगा जिसमें हंगामा होने की पूरी संभावना है इस सत्र में विपक्ष के नेता हमलावर होते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने भाजपा नेता के पी मौर्य के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव दो के चुनावों में सफलता के बाद गुब्बारे की तरह फूल रहे हैं शिवपाल यादव ने कहा वो केवल बड़बोले मंत्री हैं उनके पास कोई काम नहीं है वो केवल दिल्ली और लखनऊ के बीच यात्रा करते रहते हैं सीएम ने भी उनकी अनदेखी की है उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है माता प्रसाद पांडे के सवाल पर भड़के ब्रिजेश पाठक नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि जब आप मेडिकल कॉलेज बना रहे थे तब उनमें प्रावधान था कि आप 500 और हजार बेड का अस्पताल अलग बनवाएंगे लेकिन ऐसा ना करके आपने अपने जिला अस्पताल से संबंध करा दिया उसी के आधार पर अपने मेडिकल कॉलेज भी बनवा दिया अब जो जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबंध कर दिया है तो क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी निःशुल्क सेवाएं मिलेंगी क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है माता प्रसाद पांडे के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा यह नेता प्रतिपक्ष का पहला सवाल है हम इसका पूरा सम्मान करते हैं जिन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया गया है चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्थानांतरित किया गया है सभी में पूर्व की भांति सेवाएं निःशुल्क जारी हैं इसके बाद पाठक ने कहा कि अगर आपके पास इसकी शिकायत है तो जो सुविधा पहले निःशुल्क थी और अब उसके पैसे लिए जा रहे हैं तो आप लिखिए हम उनके खिलाफ ऐसी को भी अपना चुकी है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि सपा की रणनीति कितना काम आएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा और कितनी सीटों को वो अपने पाले में करेगी सपा की रणनीति को जानकर आपको क्या लगता है कि वो यूपी में अपना दबदबा दोबारा बना पाएगी या नहीं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार